हाँ भाई नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? भाई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 7 इन क्लास 12, वो भी लास्ट हम मानकर चलते हैं इसको, इस टॉपिक का जो कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का चल रहा था टॉपिक। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर देखे भी हैं, आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 7 में, जिसमें हम बात कर लेंगे थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म के बारे में, एम्ब्रियो कैसे बना है, और थोड़ा बहुत सीड के विषय में जान लेंगे। तो देखेंगे इस पर हम लोग यहाँ पे आएंगे और एंडोस्पर्म को सबसे पहले जाना जाएगा। क्या है एंडोस्पर्म? तो देखेंगे इट इज द रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझाया था कि नवाजी ने सन 1900 में दिया था। वो डबल फर्टिलाइजेशन जो था, एक आता था पोलर ट्यूब में, दो मेल गैमेट थे, एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता था, अदर द फ्यूज ऑन द माइक्रोपाइल इंड हैव द एक्सेल, एक्सेल से फ्यूज करके जायगोट बनाया था, पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करके क्या बनाया था, इंडोस्पर्म। तो ये वही इंडोस्पर्म है, डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है। इसमें क्या होता है, सेल फिल्ड विथ रिजल्ट रिजर्व फूड मटेरियल, जो सेल होते हैं वो किसमें फिल्ड होते हैं, उसके अंदर क्या भरा होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। वो रिजर्व फूड मटेरियल क्यों भरा हुआ है, ताकि वो आगे चल करके इसको डेवलप कर सके, इम्ब्रियो को डेवलप कर सके। तो वही चीज लिखा मैंने, एंड यूज फॉर डेवलपिंग इम्ब्रियो। देखा ना, वही मैंने बताया ना कि डेवलप द इम्ब्रियो करने के लिए ही तो रिजर्व फूड ये चाहिए हमको एंडोस्पर्म। इट फॉर्म, या लिखा इट फॉर्म आफ्टर द सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। होता क्या है कि इसमें न्यूक्लियर में रिपीटेड डिवीजन होता है, रिपीटेटिव होता है, यानी पीईएन मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। तो वही लिखा है इट फॉर्म आफ्टर द सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन इन द पीईएन प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियर। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियर में डिवीजन होता है, जिससे देखा जाएगा ये बनता है क्या, इंडोस्पर्म बन जाता है। फिर अब देखेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है प्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म स्टेज। भाई प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियर में बार बार डिवीजन जब आप करेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्री हो गया वो, यानी इसी का नाम पड़ गया क्या, प्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म स्टेज कहा गया। सो कॉल्ड द फॉर्मेशन अकर इन द एंड इंडोस्पर्म, और इसमें क्या बाद में बन जाता है, वही चीज कन्वर्ट हो जाता है कि इसमें इंडोस्पर्म में बदल जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारा इंडोस्पर्म अब क्या हो गया, सेलुलर हो गया, सेल लेवल का हो गया है। इस आधार पर हम बात करते हैं तो ये तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सेलुलर इंडोस्पर्म, न्यूक्लियर फॉर्मेशन हो जाएगा, द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर, सेल उसमें पड़ जाएंगे, बहुत सारे सेल हो जाएंगे डिवाइड कर करके। तो इसको हमने हम कह सकते हैं 1000 सेल वहां पर क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, सेलुलर इंडोस्पर्म। प्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, व्हेन द न्यूक्लियर आर डिवाइडेड मेनी टाइम रिपीटेटिव डिवीजन, द एंडोस्पर्म बिकम द मोर न्यूक्लियेटेड, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियर आ गए हैं, तो ये प्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, क्योंकि न्यूक्लियर बार बार क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। एंड हेलोवियल इंडोस्पर्म, थर्ड क्या है, हेलोवियल इंडोस्पर्म। हेलोवियल इंडोस्पर्म में आप जानते होंगे कि हेलोवियल इंडोस्पर्म में क्या होता है, इन दोनों की बात करेंगे, यानी हेलोवियल में हमारा क्या जाएगा, सेलुलर भी आएगा और फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म आएगा। क्लियर है यहां पर, आगे देखेंगे। इंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलप्ड एम्ब्रियो, इंडोस्पर्म कंप्लीट रूप से क्या हो जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है, किसको डेवलप करने के लिए, इम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए, इन द केस ऑफ द पी एंड ग्राउंड नट। ये पी और ग्राउंड नट के केसेस में आप देखेंगे इसको, एंड वीन ये भी हो जाएगा। इन तीनों में जितने भी इंडोस्पर्म होते हैं सबके सब कंज्यूम हो जाते हैं इम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए। इट्स मे बी परसिस्ट, लेकिन कुछ केसेस में आप देखेंगे इन द मेच्योर सीड जो होता है, उस मेच्योर सीड में अभी ये रह जाते हैं, परसिस्ट हो जाते हैं, बचे रह जाते हैं, इन द केस ऑफ कैस्टर एंड कोकोनट, इनके केसेस में। नाउ इन सीरियल आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे सीरियल पौधे भी होते हैं, मोटे अनाज जो होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, इनमें भी देखा जाता है तो कहीं ना कहीं वो क्या होते हैं, परफेक्ट ही रहते हैं। फिर देखेंगे इम्ब्रियो के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो आप जानते हैं कि इम्ब्रियो हमारा क्या है, ओव्यूल के पास यहाँ पर है। इट डेवलप ऑन द माइक्रोपाइलर इंड एंड इम्ब्रियो सैक, इम्ब्रियो सैक में जो माइक्रोपाइलर इंड होता है वहीं पर इम्ब्रियो क्या होता है, फॉर्म होता है, बनता है, वेयर द जायगोट इज सैचुरेटेड, जहां पे जायगोट क्या होता है, पाया जाता है। फिर इसमें देखेंगे अर्ली स्टेज ऑफ इम्ब्रियो डेवलपमेंट, इम्ब्रियोजेनी यानी जो अर्ली स्टेज होता है इम्ब्रियो का, जिसको हम कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो, उसको बोलते हैं इम्ब्रियोजेनी भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा।
तो अर्ली स्टेज जो होता है आप देखेंगे चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉटिलेडन्स प्लांट होते हैं, दोनों के केसेस में जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का प्री स्टेज में वो क्या होता है लगभग लगभग हम कह सकते हैं सेम होता है। तो इन मोनोकॉट एंड डाइकॉटिलेडन्स सेम, क्लियर है यहां तक। आगे देखेंगे यहां पे द जायगोट गिव द फर्स्ट प्री एम्ब्रियो, जायगोट जब डिवाइड होता है जायगोट जो देता है सबसे पहले क्या देगा प्री एम्ब्रियो देगा, डायरेक्ट एम्ब्रियो में जायगोट कन्वर्ट नहीं होगा, फर्स्टली इट कन्वर्टेड इनटू द प्री एम्ब्रियो। देन हार्ट सेम, हार्ट सेम स्ट्रक्चर एंड मैच्योर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो, यानी पहले प्री एम्ब्रियो जायगोट से बना देन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। टिपिकल डाइकॉटिलेडन्स एम्ब्रियो, जो डाइकॉटिलेडन टिपिकल एम्ब्रियो होते हैं, अब आप सोचेंगे डाइकॉट क्या है भाई, डाइकॉट मतलब हो गया जैसे वो सिंपल एग्जांपल आप लीजिए, डाइकॉट की सबसे बड़ी पहचान है कि आप कोई सीड लीजिए, सीड को तोड़ दीजिए, तोड़ेंगे तो दो भागों में बढ़ जाए, फॉर एग्जाम्पल आप दाल ले लीजिए, चना ले लीजिए, चना को तोड़ दीजिए दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, यानी उसके कॉटिलेडन्स कितने हैं उसमें दो हैं, तो इसको बोलते हैं डाइकॉट। तो यही लिखा है कि टिपिकल डाइकॉटिलेडन्स जो एम्ब्रियो होते हैं उसके पास क्या होता है एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, मैंने ई ए भी लिख दिया है, वहां पर क्या होगा जैसे एम्ब्रियो है तो इसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस बना रहेगा, ध्यान दीजिएगा डाइकॉटिलेडन्स के बाद में कर रहा हूं, एंड कॉटिलेडन्स यानी उसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा और साथ ही साथ क्या होगा कॉटिलेडन्स होगा। फिर देखेंगे द अबव पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, उस एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो अपर भाग है यानी ऊपर वाला भाग ये सब है वहां क्या होगा इसको बोलते हैं ईपी कॉटिलेडन्स, यानी इतना भाग हमारा क्या कहलाता है ईपी कॉटिलेडन्स, ये हमारा क्या हो गया इसको हमने बोल दिया एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है और एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो अपर वाला भाग होता है उस अपर भाग हम क्या बोलते हैं ईपी कॉटिल के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे फिर देखेंगे The portion of embryonal axis is called as epicotyl, epicotyl का भाग हो गया, and terminate the, और जो नीचे वाला भाग आ गया यहां वाला इसको बोलेंगे जो नीचे की तरफ है इसको बोलते हैं क्या प्लीम्यूल कहते हैं, क्या बोलते हैं प्लीम्यूल के नाम से जानते हैं, ORR स्टेम टिप, यही स्टेम का क्या होता है टिप भी होता है। बिलो लेवल ऑफ ऑफ कॉटिलेडन्स कार्ड, और कॉटिलेडन्स का जो विलो वाला भाग होता है इसको बोलते हैं कि हम लोग हाइपोकॉटिलेडन्स के नाम से जानते हैं। फिर देखेंगे दैट टर्मिनेट इनटू द लोअर एंड इज कॉल्ड एज अ रेडिकल, और यही बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, और आप जानते हैं कि रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया या इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा रूट टिप्स के नाम से जानते हैं, रूट टिप्स हो जाएगा। इम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉटिलेडन्स, अगर किसी मोनोकॉटिलेडन्स की बात करेंगे सबसे बड़ी पहचान क्या है व्हेन यू ब्रेक ऑफ अ सीड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द टू पार्ट, तो ये मोनोकॉटिलेडन्स है। एक दूसरी बात इसमें वेनेशन कैसा होगा पैरेलल वेनेशन होगा, तो कहा गया है कि जो मोनोकॉटिलेडन्स है इसके इम्ब्रियो क्या होते हैं ओनली वन कॉटिलेडन्स, एक ही कॉटिलेडन्स होगा, यानी जब सीड जर्मिनेट करके बढ़ेगी आगे तो मात्र एक पत्ती पहले निकलेगी, ये भी इसकी पहचान है। इन द ग्रास फैमिली, जो पोएसी फैमिली आती है जिसको ग्रास फैमिली भी कहते हैं उसमें क्या क्वालिटी है देखेंगे तो कॉटिलेडन जो होते हैं इसका नाम होता है स्क्यूटिलम, क्या नाम है इसका स्क्यूटिलम कहते हैं, ये किसमें ग्रास फैमिली के केसेस में, दैट इज द सैचुएटेड टुवर्ड वन साइड ऑफ द इम्ब्रियोनल एक्सिस, जो इम्ब्रियोनल साइड के एक साइड में क्या होता है उसी इम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड में आप देखेंगे तो आपको क्या सैचुएटेड होगा नाम होता है क्या उसका स्क्यूटिलम कहा जाता है। फिर देखेंगे एंड लोअर एंड ऑफ द इम्ब्रियोनल एक्सिस, किसी उस लोअर एंड जो होता है इम्ब्रियोनल एक्सिस का जो नीचे वाला भाग होता है हैज द रेडिकल, उसका नाम क्या है रेडिकल, अभी मैंने बताया वहीं पर रूट कैप भी मिलेगा, रूट कैप से रेडिकल क्या होता है वो क्लोज होता है रूट। फिर देखेंगे इन द शीथ कार्ड, उसका नाम है शीथ, ठीक है ना, और देखेंगे जो हमारा रूट होता है यानी रूट कैप होता है जिस चीज से वो घिरा रहता है एक सीथ से कवर होता है, इस सीथ जो होता है जैसे मान लो कि ये रूट है ये रूट हियर, तो ये रूट जिस चीज से सीथिंग होता है जिसको कवरिंग करके जो रूट को रखता है उस रेडिकल को यानी उसको कवर करने वाली जो लेयर है इसका नाम क्या है कोलियोराइजा, कोलियोराइजा इज अ कवरिंग ऑफ द रूट, वो जो वहां पर आपको बता दिया मैंने। फिर देखेंगे शूट एपेक्स एंड द फ्यू लीव्स प्राइमोर्डिया, किसी भी सीड द्वारा जर्मिनेट होने वाली पहली लीफ को ही प्राइमोर्डिया लीफ के नाम से भी जानते हैं, तो वही लिखा है कि प्राइमोर्डिया लीफ इनक्लोज्ड इन ए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ कोलियोप्टाइड, यानी जो प्राइमोर्डिया लीफ होती है पहली लीफ जो किसी जर्मिनेट करने पर होती सीड में उसको बोलते हैं कोलियोप्टाइड से घिरी रहती है, जो रूट होता है वो किससे है कोलियोराइजा से घिरा रहता है।
इतनी बात समझ में आपको आई होगी। ऐसे ही थोड़ा बहुत आपको बताता हूं कि इसमें सीड क्या है भाई, सीड कैसे बनते हैं। तो सीड में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं किसकी, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो दो चीजें होती हैं। जैसे इसका थोड़ा सा आप वो ले लीजिए, इसके साथ ले लीजिए, फिर मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूं सीड के बारे में। हाँ, इसमें देखेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया भी होगा, ये कहीं ना कहीं ये जो होता है इसको हमने क्या कहा था, स्टिग्मा कहा था। इसको क्या कहा था, स्टाइल कहा था, आपने इसको पढ़ा होगा। और जो ये हमारा भाग होता है इसको क्या बोलते थे, इसको ओवरी कहते थे। ये क्या है, ओव्यूल होता है। ये तो थैलमस होता है जिसके ऊपर टिका रहता है पूरा। तो यहां पर होता क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओवरी होता है, ये ओवरी बदल जाता है किसमें, फ्रूट में। और जो हमारा ओव्यूल होता है वो किसमें बदल जाता है, सीड में। अब सीड हो सकता है कुछ एल्बुमिनस भी हो सकते हैं, कुछ नॉन एल्बुमिनस भी हो सकते हैं। यानी किसी किसी में आप देखेंगे इंडोस्पर्म बचा भी रहता है और किसी किसी में इंडोस्पर्म क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर इंडोस्पर्म है तो हम कह देंगे कि हाँ ये भाई हमारा क्या है, एल्बुमिनस हो जाता है। नॉन एल्बुमिनस मतलब हमारा ये होता है, समाप्त हो जाता है। तो ये तमाम ऐसी चीजों के बारे में हमने बहुत देखो सीड। इसमें ज्यादा जानकारी कुछ करना नहीं, पर नॉर्मली आप जान लीजिए सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये प्रकार से फर्टिलाइजेशन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ये बनते हैं। किसका चेंजेस होता है तो बता देंगे, जो हमारा ओवरी होता है, जो ओव्यूल पाया जाता है उसी का क्या होता है, ये इसमें पाया जाता है। बाकी इसमें जनरल चीजें आप इसको बुक में भी बढ़िया सा पढ़ लेंगे, हमने आपको जनरली आपको बता दिया है क्या है। तो ये तमाम चीजें होती हैं और इतना आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे जिससे आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आएंगी। और कुछ ऐसे भी सीड होते हैं जिसमें आप देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, परसिस्टेंट हो जाता है, न्यूक्लियस बच जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिओस्पर्म के नाम से भी जानते हैं। और जो ये हमारा होता है सीड, इसके चारों तरफ की जैसे आपने पढ़ा होगा ओव्यूल, तो ओव्यूल के चारों तरफ की वॉल क्या कहलाती थी, इंट्यूबमेंट कहते थे। वही इंट्यूबमेंट क्या होती है, हार्ड हो जाती है, हार्ड हो जाती है, टफ हो जाती है। और उस हार्ड और टफ वाले प्रक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, जब वो कवर हो जाता है तो उसको पेरिकार्प के नाम भी जानते हैं। तो ये तमाम चीजें थी। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर हम लोग देखेंगे, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।